के अंतर्गत हम जाएंगे देश के सभी महावीरों परमवीरों वीरों के घर, उनके घर से मैं आपको उनकी शौर्य गाथा सुनाऊंगा, साथ ही उनके आंगन की मिट्टी को लाकर जोधपुर उच्चाड़ा स्थित शौर्य भारत एकेडमी कैप्टन अतुल शौर्य एकेडमी के कैंपस के अंदर हम एक शहीद स्मारक का निर्माण करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूं जोधपुर के समीप शैतान सिंह नगर, जहां पर परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर शैतान सिंह जी की हवेली से मैं आपको सुनाऊंगा उनकी शौर्य गाथा। तो जोधपुर से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर हम ओसिया पहुंच गए हैं और यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर वो पावन धरती है जहां पर मेजर शैतान सिंह जी का जन्म हुआ था। ओसिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि ओसिया माता के मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। यहां पर कई श्रद्धालु पूरे देश भर से आते हैं और जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं वो है ओसिया माता का मंदिर। तो चलिए हम उस पावन धरती की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम सभी जानते हैं शैतान सिंह नगर के नाम से। तो हमने लोहावट कस्बा पार किया है और लोहावट कस्बे से तकरीबन 20 किलोमीटर पर वो पावन धरती है शैतान सिंह नगर, जहाँ पर मेजर शैतान सिंह जी की हवेली है और हम अभी उस तरफ जा रहे हैं। तो चलिए मेजर शैतान सिंह जी की हवेली पहुँचते हैं और उस पावन धरती का नमन करते हैं। तो जोधपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं उस पावन जगह पर जहां पर मेजर शैतान सिंह जी की हवेली स्थित है। इस जगह की बात ही क्या है, यहां पर फिजा में देशभक्ति घुली हुई है। तो चलिए आपको जोड़ता हूं उन यादों से जो कि देशभक्ति की मिसाल है। और एक खुशकिस्मती है कि मेजर शैतान सिंह साहब के छोटे भाई एडवोकेट सूरज भान सिंह के बेटे श्री राजेंद्र सिंह भाटी साहब हमारे साथ मौजूद है। और अब इससे बेहतर क्या बात होगी कि मेजर शैतान सिंह जी के बारे में हम उनके परिवार जनों से ही सुन सके। मेजर शैतान सिंह जी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को इसी गांव में हुआ था। उस टाइम गांव का नाम था बनासर जी। और मेरे ख्याल में बाजी कक्षा की क्लास में वो किताब में आता था बनासर का सही मेजर शैतान सिंह। मेरे दादाजी कर्नल हेम सिंह जी लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड हुए थे। उनके 4 पुत्र सबसे बड़े मेजर शैतान सिंह जी, उनसे छोटे मेरे खादर सुनील राम सिंह जी, उनसे छोटे लाल सिंह जी थे और सबसे छोटे प्रति सिंह जी। कर्नल हेम सिंह जी स्टेट टाइम में लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड हुए थे जी। और उस टाइम पढ़ाई थी नहीं और मेरे दादाजी भी पढ़े लिखे नहीं थे, वहाँ जाके उन्होंने पढ़ाई की। और उस समय आप देखो ना कहाँ एजुकेशन थी, कहाँ स्कूलें थी, कहाँ सुविधा थी। उस टाइम मेरे शैतान सिंह जी ने जोधपुर चौपाशनी में और फिर जशवंत कॉलेज से, मेरे पिताजी जोधपुर से चौपाशनी से पढ़ाई करके फिर अजमेर पढ़े और लाल सिंह जी ने मेरे अंकल जो वो आगरा पढ़े और सबसे छोटे पति सिंह जी वो भी चौपाशनी से। और नब्बे सिंह जी उनके एक लड़के हैं मेजर शैतान सिंह साहब के हमारे भाई साहब, उन्होंने भी शिक्षा जोधपुर से बाद में अजमेर से ग्रहण की। ये हमारे जी। और मेरे दादाजी कर्नल हेम सिंह जी को जैसे मेजर शैतान सिंह जी को पीवीसी मिला परमवीर चक्र जी, इसी तरीके से उन्होंने भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको ओबीआई मिला था जी, ओबीआई हाँ, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंपीरियर। तो जो कहते हैं ना जब हम एक ऐसी धरती पर होते हैं जो वीरों से भरी हुई है, तो मेरे साथ उस वक्त है ऑनरी कैप्टन गंगा सिंह जी जो कि 14 कुमाऊं से है जो कि 5 मैक हुई बाद में। तो गंगा सिंह जी का तजुर्बा है उस इलाके का जहां पर मेजर शैतान सिंह जी ने वो भीषण युद्ध लड़ा चीनी फौज के खिलाफ। तो क्यों ना हम सीधे ही गंगा सिंह जी से बात करें और जाने उस पूरे इलाके की बात और उस महान दास्ता को जो कि मेजर शैतान सिंह जी ने 18 नवंबर 1965 को लड़े। शैतान सिंह साहब कमाऊ रेजिमेंट में आर्मी कमीशन लेकर के कैप्टन रैंक पर थे। उस टाइम गोवा को हिंदुस्तान के अंदर शामिल करने की कार्रवाई चली। उस टाइम मेजर शैतान सिंह साहब को हुक्म मिला कि नागा हिल
जनरल महाजन साहब जो उस टाइम कमांडेंट होया करते थे केआरसी सेंटर के, और उनको आदेश मिला नागा हिल हॉस्टलों को पकड़ करके और रानीखेत लाया जाए और उनको नागा हिल नागा रेजिमेंट के नाम से नागा रेजिमेंट बनाई जाए, वो भी कमाऊ रेजिमेंट के अंदर। तब मैदर साहब की वहाँ ड्यूटी थी और मैदर साहब वहाँ से वापस आए और केआरसी सेंटर के अंदर कमाऊ रेजिमेंट सेंटर के अंदर क्यूएम की ड्यूटी दी गई। मैदर साहब चार्ली कंपनी को लेकर के और चसोल एयरपोर्ट की रक्षा करने के लिए मैदर साहब को नियुक्त किया गया। उस टाइम कोई साधन नहीं थे, रोडें नहीं थी, पहनने के लिए जूते नहीं थे, उस टाइम वो बर्फ पड़ी हुई थी, नवंबर का महीना था, ये स्नो ड्रेसें नहीं थी, स्नो इक्विपमेंट ही नहीं था, कोई क्लोथिंग ही नहीं था। और उस हालत के अंदर जब एक प्याज जो होता है वो एक पत्थर बन जाता है, सलगम है वो पत्थर बन जाती थी, आलू है वो पत्थर बन जाते थे, पानी बर्फ पिघाल करके पीते थे। और उस हालत के अंदर मेजर सरदार सिंह साहब ने लोहा जो राइफल है या पिस्टल है उसको जब पकड़ते थे तो चमड़ी उनके हाथों में चिपक जाती थी, लोहे के साथ में चिपक जाती थी। तो मेजर सरदार सिंह का जो कंपनी का जो लेआउटिंग किया गया मेजर साहब ने वो तकरीबन 18,000 की हाइट पर कंपनी का प्लॉट लिया गया। एक बात और बताना चाहता हूँ, शैतान सिंह साहब का जो जज्बा था और उसके बारे में हम डिटेल में मैं अभी सभी को बताऊंगा। और मैं उनकी हवेली जाकर जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, सबसे पहले तो इस मंदिर में माथा टेक कर मैं वहां जाऊंगा और हम बात करेंगे उस वीर गाथा की, उस शौर्य गाथा की, जो कि देश के हर जवान के लिए, देश के हर बाशिंदे के लिए एक प्रेरणा का सोर्स है। हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए उस शहादत से। तो चलिए मैं आपको मंदिर में लेके चलता हूं और एक बार हम उन महान शहीद को याद करते हैं और उनका नमन करते हैं। ये मंदिर है शैतान सिंह जी का, शैतान सिंह नगर में स्थित है, जो कि उनके बेटे ने बनवाया है। और यहाँ पर 18 नवंबर को हर वर्ष एक प्रकार से शहीद शैतान सिंह जी को नमन करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए पूरे गांव के और आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर एक पूरा कार्यक्रम होता है। और यहाँ पर एक खास बात और है कि जो शैतान सिंह साहब की जो मूर्ति के नीचे एक मार्बल का स्टोन है, यहाँ पर उस रिजामिला के युद्ध में शहीद हुए जितने भी वीर सैनिक थे उन सभी के नाम यहाँ पर दर्ज हैं। तो ये भूमि, ये जगह इतनी पावन है, इतनी पवित्र है कि ये हर देशवासी को जानना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि यदि कोई भी कभी जोधपुर से लोहावट की तरफ जोधपुर आए तो जरूर लोहावट आए, वहां से शैतान सिंह नगर आए और इस मंदिर में जरूर दर्शन करे, क्योंकि ये वो जगह है जिनकी शहादत ने इस देश की सीमाओं को खंडित होने से बचाया है। आगे चलते हैं मेजर शैतान सिंह जी की हवेली। तो जोधपुर से तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर करके हम लोग पहुंच चुके हैं मेजर शैतान सिंह जी की हवेली। ये वो जगह है जहां पर मेजर शैतान सिंह जी का जन्म हुआ था 1924 में। अब मैं आपको लेके चलूंगा इस हवेली के अंदर, उस कमरे में जहां पर उनका जन्म हुआ था, और मैं उनकी जन्मभूमि से आपको सुनाऊंगा रिजांगला की शौर्य गाथा। तो इस वक्त मैं खड़ा हूं मेजर शैतान सिंह जी के घर के आंगन में और इस पावन मिट्टी पर मौजूद होकर मैं आपको वो शौर्य गाथा सुनाना चाहूंगा जो कि इतिहास बन गई इस देश का। जैसा कि आपको विदित है कि मेजर शैतान सिंह साहब, जिनका जन्म 1924 में हुआ था, वो उन्होंने जो अपनी पूरी पढ़ाई थी वो उन्होंने जोधपुर में चौपासनी स्कूल में करी और वहां पर वो बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी थे और उन्होंने डूरेंड कप के अंदर भी भाग लिया था। उनके पिताजी कर्नल हेम सिंह साहब वो जोधपुर स्टेट फोर्सेस के लैंसर्स में थे, वहां पर वो सर्व कर रहे थे और मेजर शैतान सिंह साहब ने भी जोधपुर स्टेट फोर्सेस में लैंसर्स में उन्होंने कमीशन लिया। और जब आजादी के उपरांत सन 1947 के उपरांत जब ये स्टेट फोर्सेस सारी मर्ज हुई
उसके बाद में वो 13 कुमाऊं में कमीशन हुए। अब 1962 का जो वक्त था, उस समय जो हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे चाइना के साथ, वहां पर कुछ उलझने थी अक्षय चिन्ह को लेकर और हिंदुस्तान पर अटैक करने की ठाने। अब वो वक्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी को यह जानने के लिए, जो 1962 की जो भीषण लड़ाई थी, वो लड़ाई थी हिंदुस्तान के जोश और जज्बे की चाइना के साथ, वो लड़ाई थी हिंदुस्तान के पास उस समय जो हमारी फौज थी, हम लोग 303 विंटेज राइफल के साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे, जो लड़ाई हुई पहाड़ों में 16,000 फीट की ऊंचाइयों पे, 18,000 फीट की ऊंचाइयों पे, जहां पर बर्फ से पूरे मैदान ढके हुए थे, उस जगह हमारे सैनिकों के पास में विंटर क्लोथिंग नहीं था, ना तो बूट आराई थे, ना ही कोट पार्का था, ना ही दस्ताने थे, और वक्त ये था कि जब उस ठंड में वो अपने राइफल को पकड़ते थे तो उनके हाथों की चमड़ी उस राइफल से चुभक जाती थी। केवल 40 पाउंडर्स टेंट थे वहां पर जवानों के लिए, और उस कड़कड़ाती ठंड के अंदर हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर जवान और वीर सैतान सिंह की पूरी टुकड़ी इस देश की रक्षा हेतु डटी रही। जब युद्ध हुआ 2 अक्टूबर 1962 की बात है, 13 कुमाऊं को लेह लद्दाख के इलाके में जाने का हुक्म मिला 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड के अंतर्गत, और 2 अक्टूबर को जब 13 कुमाऊं वहां पर पहुंची तो उसको चुशूल सेक्टर में जाने के लिए ऑर्डर्स मिले, और मेजर शैतान सिंह साहब अपनी चार्ली कंपनी को लेकर चुशूल की तरफ रवाना हुए, और चुशूल पहुंचने के बाद जहां पर हेडक्वार्टर्स थे उसके बाद उनको करीब 3 घंटे लगे, और उन्होंने रिजांगला की हाइट पर, जो कि 16,420 फुट की हाइट पर, उन्होंने अपनी पूरी कंपनी को, जो कि चार्ली कंपनी थी, जो कि वीर अहीर कंपनी और बाद में आर्मी हेडक्वार्टर ने उसको रिजांगला कंपनी का दर्जा दिया, नाम दिया, सम्मान दिया। वीरों की यह दास्ता आज हम सभी को प्रेरित करती है कि हम इस देश के लिए कुछ कर गुजरे। मेजर शैतान सिंह की दास्ता उस विकट परिस्थितियों के अंदर, उस विषम मौसम के अंदर जो उन्होंने अद्भुत वीरता दिखाई, वो हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। चार्ली कंपनी को मेजर शैतान सिंह ने लेआउट किया वहां पर, उनकी 7 नंबर प्लेटून, 8 नंबर प्लेटून और 9 नंबर प्लेटून को उन्होंने, जो पहाड़ था, जो रिस्क थी, उसके फॉरवर्ड स्लोप पर उन्होंने अपनी पूरी कंपनी को, उन सभी प्लेटून को उन्होंने लगाया। वे इतने बेहतरीन और कुशल फौजी लीडर थे, इतने सौम्य स्वभाव के थे कि कहना ही क्या, वो हर विषम परिस्थितियों के अंदर अपने जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखते थे। जब और एक उस समय एकमात्र साधन था ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से वे सब समाचार सुनते, और उनकी जो अहीर कंपनी थी, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जो 13 कुमाऊं पलटन है, जो परमवीर पलटन है, वो प्योर अहीर बटालियन है कुमाऊं रेजिमेंट की, और इस समय जब वो लोग खबरें सुनते चाइना के अटैक की दूसरे सेक्टर्स में, और तो उनका खून खोल उठता, खून में उबाल आता, और वो कहते कि हम पे यदि ये मौका आ जाए तो हम इन चीनियों को, हम इन चाइनीज सोल्जर्स को सबक सिखा देंगे, और उस समय अपने फौजी भाइयों का, अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए मेजर शैतान सिंह उनकी तरफ देखते और कहते कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और अपनी सौम्य मुस्कुराहट से उनका मनोबल बढ़ाते। और यहां पर उनके घर में, उनकी हवेली के अंदर जो आप ये नीम का पेड़ देख रहे हैं, ये भी मेजर शैतान सिंह साहब द्वारा ही लगाया गया। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं उस कमरे में जहां पर उनका जन्म हुआ था। तो इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, ये पावन धरती, ये पावन रूम, वह कमरा है जहां पर मेजर शैतान सिंह जी का जन्म हुआ था। अब जो मैं स्टोरी जो आपको शौर्य गाथा सुना रहा हूं, वो जहां तक मैं पहुंचा था उसके आगे मैं आपको इसी कक्ष से सुनाऊंगा, क्योंकि ये कमरा गवाह है उस नन्हे शैतान सिंह जी के जन्म का, जो कि आगे चल के इस देश का वीर योद्धा, देश के महान परमवीर बने। जब 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी तकरीबन 2 अक्टूबर को पहुंची और फिर 12 अक्टूबर तक वो अपनी लोकेशन पर पहुंची, तो मेजर शैतान सिंह जी ने बड़ी चतुराई के साथ
अपनी पूरी प्लटून्स को, अपनी पूरी कंपनी को इस प्रकार से लगाया कि दुश्मन की हर हरकत पर उनकी बारीक नजर रहे और दुश्मन की किसी भी हिमाकत का वो मुंह तोड़ जवाब दे। 12 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक मेजर शैतान सिंह उस बर्फीले मौसम में, उस विषम परिस्थितियों में अपनी टीम का, अपनी कंपनी का हौसला अफजाई करते रहे और उन्होंने उनको हर युद्ध का कौशल समझाया। और यहां ध्यान रहे, वे वीर अही 13 कुमाऊं के वीर सैनिक, उस बर्फीले मौसम से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था और वो हाल ही में बारामूला से वो लिफ्ट होकर 13 कुमाऊं वहां पर रेजांगला में आई थी। अब 18 नवंबर की मैं बात आपको सुनाता हूं और यह वो रात है जिसने इस देश के इतिहास के पन्नों पर गोल्डन अक्षरों से, सुनहरे अक्षरों से रेजांगला के युद्ध की कहानी लिखी। और वो कहानी थी मेजर शैतान सिंह जी की, वो कहानी थी चार्ली कंपनी के वीर अहीर जवानों की, वो कहानी थी इस देश के जज्बे की, वो कहानी थी कि बिना किसी अच्छे रिसोर्स के साथ, बिना किसी अच्छे हथियार के साथ भी, जब हमारे पास 303 की विंटेज राइफल है, हमारे पास कोई विंटर क्लोथिंग नहीं है, फिर भी अपने हौसले से हमने उस जंग को लड़ा। 18 नवंबर रात को 3:30 बजे मेजर शैतान सिंह जी को एक LMG का फायर सुनाई दिया। उन्होंने तुरंत अपने रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र को कहा कि तुरंत मुझे फ्रीक्वेंसी पे लो और पता करो ये फायर कहां पर आया है। मालूम पड़ा कि उनकी जो 8वीं प्लेटून थी उसके ऊपर चीनियों ने फायर किया और वहां से उनको रेडियो सेट पे इंफॉर्मेशन मिली कि करीब 250 चीनी सैनिकों ने फ्रंट से सामने से उस पोस्ट के ऊपर अटैक किया और 8वीं प्लेटून के वीर सैनिकों ने उस अटैक को विफल कर दिया। मेजर शैतान सिंह जी को पता चल चुका था कि अब वो घड़ी आ चुकी है जहां पर चीन जो है वो पूरी फोर्स के साथ, पूरे सैनिकों के साथ इस जगह पर अटैक करेगा। उन्होंने तुरंत अपने पेट्रोल्स को, अपने अपने दस्तों को पेट्रोलिंग करने के लिए भेजा कि जो भी प्लेटून्स के बीच में जो गली है उन पर वो निगरानी करें और किसी भी सैन्य मूवमेंट की तुरंत खबर उनको दें। उनके पेट्रोल्स गए, उन्होंने खबर दी और मालूम पड़ा कि 7th और 9th प्लेटून के ऊपर भी चीनियों ने, करीब 400 से 800 चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह जी की वीरता से, मेजर शैतान सिंह जी के दृढ़ संकल्प से और जिस प्रकार से उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाकर रखा, चार्ली कंपनी के वीर जवानों ने, 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी के वीर जवानों ने उन सभी फ्रंटल अटैक्स को, सामने से आए हुए अटैक्स को विफल कर दिया। अब यहां पर एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो रेजांगला पास जो जगह थी वहां पर एक बहुत डिसएडवांटेज था हमारी सेना को। वहां पर चूंकि वो पहाड़ी बनावट इस प्रकार की थी कि हम लोग आरटी सपोर्ट भी नहीं मांग सकते थे, राइट? तो बिना आरटी सपोर्ट के, और आरटी सपोर्ट की तो बात ही छोड़िए, वहां पर विषम परिस्थितियों में यदि युद्ध के समय में कोई रिइंफोर्समेंट भी चाहिए होता तो वो भी आसान नहीं था उस हाइट्स पर किसी भी रिइंफोर्समेंट का पहुंचना। ना तो आरटी सपोर्ट, ना रिइंफोर्समेंट की गुंजाइश, और हुकुम मिला हुआ था कि आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक हम उस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा ही जज्बा था मेजर शैतान सिंह का, उन्होंने कह दिया था कि चाहे मेरे प्राण रहे ना रहे, हम इस जमीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चीनियों को भी मालूम पड़ गया कि ये कोई आम सैनिक नहीं है, ये 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी और मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में वीरता दर्शाते हुए 13 कुमाऊं के सैनिक हैं। और तब चीनियों ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने बे इंतहा मोटर फायर, आरटी फायर, बे इंतहा फायर डालना शुरू कर दिया। तो 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, 1 घंटे तक फ्रंटल अटैक्स आए जिसको चार्ली कंपनी ने विफल कर दिया। और उसके बाद चीनियों ने दबादम वहां पर गोलाबारी शुरू करी और वो गोलाबारी इतनी भीषण थी कि जो भी डिफेंसेस 13 कुमाऊं ने बनाए थे वो निस्तनाबूत होने लग गए। और उस विषम परिस्थिति के अंदर जब जान पर बनाई थी तब मेजर शैतान सिंह एक एक पोस्ट पर जाकर अपने जवानों का हौसला अफजाई कर रहे थे, उनको लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। और वे वीर जवान भी अपने उस निर्भीक
ऑफिसर के साथ थे, अपने उस निर्भीक लीडर के साथ थे, और उन्होंने भी एक कसम खा ली थी चाहे कुछ हो जाए हम अपने देश की अखंडता पर आज नहीं। विजय शैतान सिंह साहब की वीरता, उन्होंने जिस प्रकार से इस युद्ध को लड़ा वो काबिले तारीफ है। कुल 124 जवानों की टुकड़ी लेके वो वहां गए और उस युद्ध के मैदान में केवल 6 जवान ही बच पाए और जिन्होंने आके इस दास्ता को सुनाया। 5 जवान प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में पकड़े गए और 114 जवान वहां पर शहीद हुए। ये रिजांगला का युद्ध हमें बताता है कि किस प्रकार से यदि आपके अंदर जज्बा है, यदि आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, यदि आपने ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी जमीन को नहीं छोड़ूंगा, तो चाहे फिर वो मौसम कितना भी खराब हो, चाहे बर्फ से आपके हाथ कट रहे हो, फ्रॉस्ट बाइट हो रही हो आपको, आपके ट्रिगर पे उंगली चुभक जा रही हो, आपके पास एमिनेशन खत्म हो रहा हो, आपके पास चाहे विंटर क्लोथिंग नहीं हो, लेकिन आप अपने जज्बे की गर्माहट से पूरे युद्ध के मैदान में आग लगा सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। रिजांगला का युद्ध हम सभी के लिए एक दास्ता है, एक शौर्य गाथा है जो हमें बताती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, यदि हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम कोई भी मैदान जीत सकते हैं। जब मेजर शैतान सिंह साहब एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे और साथ ही जो उनके रेडियो ऑपरेटर थे रामचंद्र वो भी उनके साथ थे, इसी दौरान मेजर शैतान सिंह साहब के एक एलएमजी का बस्ट उनके पेट में लगा और इससे पहले भी स्प्लिंटर इंजरी उनके बाजू में हो चुकी थी, उनकी बां बाजू भी जख्मी थी और उन्होंने उस पर पट्टी बंधवाई और उसके बावजूद भी, उस चोट के बावजूद भी, बहुत खून बहने के बावजूद भी उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाकर रखा। और जब हम बात करते हैं रिजांगला की और जब मैं उस चीजों के बारे में पढ़ता हूं तो जो नर्सिंग असिस्टेंट थे उस पल्टन के उस कंपनी में, जब उनके उनके जो मॉर्टल रिमेन्स मिले जब, तो उनके हाथ में सिरिंज थी, तो जब वो अपने एक सैनिक का इलाज कर रहे थे युद्ध में, जब भी अपने सैनिक का इलाज कर रहे थे उस समय वो शहीद हुए, हाथ में सिरिंज ली, तो कितने कर्मठ थे वो सभी जवान, कितने कर्मठ थे और कितना कर्मठ था उनका वो नेता जो कि इस देश के लिए सर्वस्व बलिदान कर दिया। मेजर शैतान सिंह जी जब जख्मी हो गए फिर भी उन्होंने उनके उनके जवानों ने कहा कि मेजर साहब को वापस ले चलते हैं। सीएचएम हरफूल सिंह ने कहा कि हम अपने मेजर साहब को दुश्मन के हाथ नहीं आने देंगे और वो मेजर साहब को वापस लेके आने लगे, लेकिन मेजर साहब समझ चुके थे कि ये जवान मुझको वापस नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि रास्ता कठिन है, ये जगह दूर है, बटालियन हेडक्वार्टर दूर है, रियर दूर है, यदि ये मेरे को ले जाने के चक्कर में रहे तो ये भी शहीद हो जाएंगे और ये भी खत्म हो जाएंगे। तो मेजर साहब ने शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल पर आए सभी शौर्य वीरों, सभी अभ्यर्थियों और सैन्य सेवा भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के सभी आशार्थियों, कैप्टन सर के अस्वस्थता के कारण जो रात 10 से 11 बजे वाली कक्षा है वह सर नहीं ले पा रहे हैं, उनको फीवर है इसलिए वह अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वह ये क्लास नहीं ले पा रहे थे, तो इसी कारण से जैसे ही वह स्वस्थ होंगे तो उनकी क्लासेस पुनः वह लेंगे और आपके सामने आया बिल्कुल आपके समक्ष आकर आपको बहुत अच्छी तरह से वह वोकैब और इंग्लिश की क्लासेस पढ़ाएंगे सर। तो तब तक आप कीजिए धैर्य से इंतज़ार और सुनिए सर के मोटिवेशनल वीडियोस जो कि सर ने एक्चुअल प्लेस पर जाकर बनाए हैं, शौर्य गाथा जिसको सुनकर वास्तव में देश के उन शहीदों को याद करके रगों में खून उबलने लगता है। तो यह एक विनम्र निवेदन मेरी शौर्य टीम की तरफ से कि सर के स्वस्थ होने तक आप सभी धैर्य रखें और हमेशा जुड़े रहें इसी शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल से। तो जय हिंद, इसी संदेश के साथ थैंक यू सो मच।